मोदी सरकार दे वल्लों रद्द कीते गए खेती कानूनों के बारे सब नूं पता ही है कि किवें इन्हां कानूनों दे नाल मोदी सरकार दे वल्लों एक तो फसलों की खरीद नूं निजी हत्थां दे विच सौंपिया जा रहा सी अते दूजा किवें सरकार दे वल्लों मंडी बोर्ड नूं खत्म करके अंबानिया अडानिया दीआं अपनियां मंडियां दे लई एक नवां राह खोलिया जा रहा सी। हुण किसानां तों बाद उन्हां मजलूमां नूं मोदी सरकार दे एक होर नवें ते घातक पैंतरे दा शिकार होना पै सकदा है। जिन्हां दे बच्चे सरकारी स्कूलों दे विच पढ़दे हन जां आर्थिक मंदी दे चलदे सरकारी स्कूलों विच मजबूर हैं, क्योंकि हुण हरियाणा सरकार ने एक पैंतरा नवा अपनाया है जिस दे विच हुण हरियाणा सरकार सरकारी स्कूल दे विच पढ़न वाले बच्चों तो 500 रुपए फीस वसूलेगी, पर जेकर ओह मापे अपने बच्चों प्राइवेट स्कूल दे विच पढ़ाउणगे तां उन्हां नूं सरकार 1100 रुपए खुद अपने कोलों देवेगी। किते तां सरकार दे वल्लों सरकारी स्कूल विच पढ़न वाले बच्चे दे मापियां तों 500 रुपए फीस लई जावेगी, पर उत्थे ही प्राइवेट स्कूल दे विच पढ़न ते उन्हां मापियां नूं 1100 रुपए दिते जाणगे। खैर इत्थे भी सरकार ने उही स्कीम खेडी है जो खेती कानूनों के नाल किसानों के नाल खेडनी सी। जदों लालच के मारे मापे प्राइवेट स्कूलों के अपने बच्चे पढ़ाउणगे तो हौली हौली सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे। सरकार तरह तरह के लारे लावेगी कि स्कूल तो हुण चलते नहीं हैं, इन्हां नूं बंद कर दिता जाए। सरकार नूं अध्यापकों का खर्चा, बिल्डिंग का खर्चा, बिजली का खर्चा, पानी और होर सहूलतों का खर्चा फजूल पै रहा है। यह कह के सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे। उत्थे ही प्राइवेट स्कूलों के हौली हौली सरकार के वलों जो 1100 रुपए दिते जा रहे होंगे उन्होंने भी हौली हौली सरकार देना बंद कर देवेगी, या ये कह लो हौली हौली मापियां नूं सरकार के वलों उन्हां 1100 रुपया लैण लई थां थां चक्कर मारने पैणगे। फिर हौली हौली अक के आम इंसान उन्हां 1100 रुपए की आस भी छड्ड देवेगा, पर असल गेम निजीकरण की उदों ही शुरू होवेगी, क्योंकि सरकारी स्कूल तो पहला ही बंद हो जाएंगे और प्राइवेट स्कूल गरीब लोगों की पहुँच तो बाहर हो जाएंगे, क्योंकि प्राइवेट स्कूल वाले अपनी मन मर्जी करेंगे और अपनी मर्जी के अनुसार स्कूल की फीस वसूलेंगे। सरकारी स्कूलों के जो SC या ST बच्चों सरकार के वलों वजीफे मिले करते सन उन्हों की फीस कटौती होंगी सी, वह बंद हो जाएगी, क्योंकि सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे और प्राइवेट स्कूलों वाले यह सब कुछ नहीं देंगे। जो बच्चे SC परिवार के संबंधित होंगे उन्होंने, जो आर्थिक पक्षों कमजोर होंगे उन्होंने अपने बच्चों मुढ़ली सिक्ख्या देना बहुत व्डा काम लगेगा, एक युद्ध के बराबर यह काम हो जाएगा। सो जेकर हुण हरियाणा वाले लोग ना जागे तो ना सरकार दीआं इन्हां कानूनियां नीतियां नूं ठल पाई तो आने वाले समय दे विच सिक्ख्या सिर्फ अमीर लोगों की ही बन के रह जाएगी, भाव अमीर ही अपने बच्चों नूं पढ़ा लिखा सकणगे। सो आम लोगों नूं सिक्ख्या नूं अपनी पहुँच च रखण दे लई जाग के इस नीति का विरोध करना चाहिए। जेकर हुण ना जागे तो शायद आम लोग सदा दे लई सिक्ख्या तो दूर हो जाएंगे, क्योंकि जेकर एक बार कानून लागू हो जाते हैं तो उन्होंने रद्द करवाना संभव नहीं होंदा। सो हुण भी समय है लोग जाग जान, नहीं तो हमेशा दे लई सुते रह जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम मुद्दे, लुधियाना।